स्वर्णकाल साबित हुआ नीतीश कुमार का शासनकाल। सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शासन बिहार के लिए स्वर्णकाल के रूप में साबित हुआ है। सांसद आज समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आलोक में दरभंगा जिला जदयू के तत्वाधान में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता श्री ठाकुर ने कहा कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक तथा चाणक्य, चंद्रगुप्त के आदर्शों तथा जेपी लोहिया, अंबेडकर एवं कर्पूरी की नीतियों को आत्मसात कर नीतीश कुमार ने अपने शासन में समानता, समग्रता एवं धार्मिक सद्भावना का एक अनूठा प्रयोग कर यह साबित कर दिया है कि वे विकास के मुद्दे पर बिहार के लिए वास्तविक रूप से विश्वकर्मा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जदयू जिला अध्यक्ष विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ साथ लोहिया के स्वच्छता अभियान के लिए घर का सम्मान, शौचालय निर्माण, गांधी जी के समाज सुधारक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए दहेज प्रथा, शराबबंदी, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को स्थापित करने का काम किया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस तथा 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी के शासनकाल में धर्म, संप्रदाय तथा जाति के नाम पर नरसंहार, हत्या, लूट, फिरौती के सहारे राजद ने बिहार का सर्वनाश कर दिया। नीतीश कुमार जी का कोई तुलना नहीं, हमारे नेता का कोई तुलना किसी से नहीं। कैसी तुलना की बात करते हैं सर? विकास के मामले में कैसी विकास की बात करते हैं? रोड नहीं देख रहे हैं, बिजली नहीं देख रहे हैं, स्कूल, शिक्षा, शिक्षक लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसको नहीं देख रहे हैं। सर एक बात बताइए कि बिहार में जितने औद्योगिक उद्योग थे सभी बंद हो गए, जहाँ खड़े हैं आपने मिथिला की कई चर्चा की है, यहाँ की विभूतियों की बात की है, यहाँ सभी कल कारखाने बंद हो गए, तो क्या स्कूल और कॉलेज खुलने से ही विकास होगा क्या? नहीं 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 होगा, पढ़ेगा नहीं लोग, तो फिर रोजगार तो चाहिए सर। सुनिए, शाहनवाज जी उद्योग विभाग में अभी तक 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, 13,000 करोड़ रुपए का, उसको देखिए ना। नहीं सर, युवा को रोजगार तो चाहिए। हाँ, तो उसी में रोजगार ना आएगा। तो सर अभी बिहार में शराबबंदी को लेकर बात चल रही है और सरकार द्वारा कदम, क्या कहने का क्या मतलब, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, शराब बंद हो, विद्यार्थी उसमें नाश में न पड़े, शराब का सेवन न करें, और नीतीश कुमार जी को जो शराबबंदी किए हैं उसमें सहयोग करें, यही उनसे हमारी। सर सर सर, एक मिनट, शराब पीने वाले को पकड़ा जाता है, जो होम डिलीवरी करते हैं, बड़े बड़े मुंह शराब माफिया, उसको नहीं पकड़ा जाता, क्या कारण है? सबको पकड़ा जा रहा है, हम आप देख नहीं रहे हैं। जनता दल यू के नेतृत्व में 16 वर्ष कल पूरा हो गया है शासन का, उसमें से 15 साल हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा है, उसी को हम लोगों ने आज यहाँ पर 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत में हम लोग जुटे हैं और उनके जो कार्यों की उपलब्धि की चर्चा। सर, आपके जदयू के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता तो जरूर यहाँ जुटे हैं, लेकिन इस चीज़ को आम जन के बीच में भी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा या जो आपके बड़े बड़े नेता हैं उनके, उन लोगों को समाज के बीच में भी जाना चाहिए, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप पत्रकार मित्र हैं हमारे, अगर आप दूसरे की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी बात में कर रहा हूँ कि मैं एक साल में, आप मेरे क्षेत्र में जाइए कि आपको बता देगा कि हर दिन हम कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरह से मैं रहता हूँ उस तरह से भी मेरे अन्य नेता उपस्थित रहते हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।